नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं lallantop.com। हम यहाँ पे पोरसा में अपना काम खत्म करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। दो भाई साहब हमें मिले, दोनों के अलग अलग विचार थे। एक भाई साहब ने बोला कि भाई आप गाय की समस्या पर बात करो, तो हमने तय किया कि जिन भाई साहब ने जवाब दिया और जिन्होंने समस्या उठाई, हम दोनों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दाताराम शर्मा। दाताराम शर्मा, क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान। कपड़े, हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। अपना किसानी का भी काम है, खेती भी है अपने पास, लेकिन गाय इतनी हो चुकी है यहाँ पर आवारा कि खेती तो चौपट हो रही है। पूरे बाजरे की फसल पूरी एरिया की खत्म हो गई, एक मुट्ठी दाना तक घर में नहीं किसान ला पाया। अब बताओ, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अरे गौशाला खुलवा रहे हो तो हर गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 गाय होंगी और करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला? या तो इनकी ऐसी व्यवस्था की जाए जो गायें जो आवारा फिर रही हैं वो सबको बांध के रखा जाए, या फिर पकड़ा जाए। एक्सीडेंट हो रहे हैं गायों की खातिर, रोड़ों पर चक्का जाम हो रही है, क्योंकि जब रोड़ों पर गाय रात को सो जाती हैं, सुबह बांध निकलती है तो कटती भी हैं और मर भी जाती हैं बहुत सारी। लाखों गाँव की जाने चली गई, यहाँ पर कई हादसे होते हैं गाँव की वजह से, एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा। अब आप गायों की वजह से जो रोड पे सोती हैं रात को, और कोई वाहन आया और इधर से भी कोई मोटरसाइकिल वाला ही निकला, गाय बैठी हुई है ना देख पाया और एक्सीडेंट हो गया उसका, और खुद मर जाता है और गाय तो घायल होगी या भाग जाएगी, वो कुछ भी करेगी, लेकिन वो क्या करे जो बेमतलब में मारा जा रहा है। गायों की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए भाई साहब, कम से कम कि इनको गौशालाओं में प्रवेश किया जाए या फिर और कोई व्यवस्था की जाए। अब सांड है, सांडों को कौन बांधेगा आप बताओ हमको? हजारों सांड घूम रहे हैं, कोई लेता ही नहीं है इनको, क्योंकि बाहर बंद हो गया कट्टू खाना वगैरह। कट्टू खाने की बात तो छोड़ो, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं मोदी इतना तो कम से कम किया करे सरकार अपनी, एमपी की या यूपी कौन सी भी हो, इतना होना चाहिए कि इनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गौशाला में प्रवेश कराए सबको और जो भी व्यवस्था है सब करें अपने हिसाब से। नुकसान इतना हो रहा है उससे कोई सीमा नहीं है, पूरी फसल चौपट हो रही है, किसान बेचारा मर रहा है। हाँ भाई साहब, आप कुछ अभी जवाब दे रहे थे ना, आप बताएं क्या कह रहे थे? जवाब ये है कि जो भैंसें ये रखते हैं अपने घर में बांध के, ऐसे गायें भी रखें, भैंस का भी देखी आपने सड़क पे ऐसे घूमती हुई टक्कर में कहीं देखी है? और यही लोग कहते हैं कितनी भैंसें हैं? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप क्यों नहीं, ये भाई साहब आप बोल रहे हो कि भैंसे लोग बांध देते हैं, गाय बांध रहे हैं? हाँ, गाय क्यों नहीं बांधते? हमारी तो है नहीं, हमारे पास नहीं है। तो वो जो सड़क पर घूम रहे हैं किसी और की भी नहीं है ना? ये किसानों की है, ये सबकी जो गाँव में जो रहते हैं गरीब लोग उनकी हैं। और क्या है कि क्या है कि गायों में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, 33 करोड़ देवी देवता तो आपके लिए भी होंगे। हाँ, तो आप क्यों नहीं? आप बाजार में रखते हैं, बाजार में वहाँ व्यवस्था नहीं है। आप क्यों नहीं गाय बांध लेते जो आप दूसरों का करते हैं? इसमें करते हैं 300 रुपये महीने की। कितनी गाय पकड़ के लाए आप इसमें? भाई ये बाबा का काम है। नहीं नहीं, ये गौशाला खुली है, इस बाबा का काम है पकड़ना, वो इनको इन्फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, आपने अभी हमें राय दी कि भाई क्यों नहीं गायों को बांध लेते जो भैंसे बांधते, तो आप क्यों नहीं बांध लेते? मैं आपसे, अरे हमारे पास है नहीं व्यवस्था। अच्छा, जगह नहीं है ना? तो दूसरे लोगों के पास है, सबके पास? तो दूसरों के पास भैंस के लिए जगह? आपने तो सबके लिए बोला ना। जैसे जैसे कि ब्राह्मणों की गारंटी है 33,000 करोड़ देवता की पूजी होगी, तो जे लोग फिर देवता का काय पूज रहा है? नहीं, फिर वो बांधना चाहिए, वो तो पाप हो रहा है। आप क्यों नहीं बांध रहे भाई साहब? अरे हमारे पास जगह नहीं है ना, ऐसे लोगों के पास जगह नहीं है, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि गौशालाएं खोली जाएं। गौशाला सरकार का काम है। भैंसशाला, भैंसशाला सुनिए क्या कहीं? भैंसशाला, भैंसशाला कहीं सुनी है क्या? अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। आपने ये एग्जांपल सुना है? आपने ये एग्जांपल सुना है काला अक्षर भैंस बराबर, सुना है ना? भैंस भूरी होती है कि नहीं होती है? लेकिन हम बोलते क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि वो एक एग्जांपल सेट किया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि भैंस फिर घर पे क्यों नहीं? अरे हमारी कोई गाय हो बाहर सड़क पे तब हमसे पूछ सकते हो। आप डिफेंड कर रहे हो ना सरकार को? मैं पूछ रहा हूँ सरकार क्यों नहीं बना देती गौशाला? मूल मसला जो मूल मसला है वो यह है कि ऐसे ही लोग सरकार को कुछ ना करने के लिए प्रेरित करते हैं, मेरी राय में। इतना बड़ा आरोप है आपको, और ये सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए। हम आपस में क्यों लड़ें? आके सरकार किस लिए हम चुनते हैं? सरकार तो भ्रष्ट है ना, सब आप मानते हैं ये तो भ्रष्ट है। मोदी भ्रष्ट है? नहीं, मोदी भ्रष्ट नहीं है। सरकार कौन है? फिर सरकार कौन की है? मोदी भ्रष्ट नहीं है, मोदी की सरकार बैठी है। सरकार तो सैनिकों को गाली देती है, सड़क चाप गुंडा बोलती है,
तो ये मोदी सरकार बोलती है ये आपकी आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाती है रात को 11 बजे 12 बजे तक। याकूब मेमन को फांसी हो रही थी, कांग्रेस के सब नेता लगे थे, 150 आदमियों की लिस्ट थी उसमें। नाम बताइए 150 नाम क्या बताएं? वो तो ये भाई साहब 2 मिनट पहले आते, मैंने इनको इतनी फेक न्यूज की ट्रेनिंग दी है। अब ये 150 जिला नक्सली साइड में घिरे, किसने घिरवाए थे? 150 जिला है ना, आपको पता कितना नक्सली अभी कल मरी है छत्तीसगढ़ में? कितने मरे? ये किसके राज में घिरे थे? किसके राज में ये शासन किसका था 60 साल? अच्छा, से अब साफ हो गए होंगे सारे। अब तो 26 अभी अभी तो इतनी समस्या इतनी है वो सब हो जाएगा 4 साल में। क्यों, क्या दिक्कत है? शासन तो 4 साल 5 साल ही देती है, संविधान ही 5 साल ही होगा। 5 साल में नहीं होगा इतना काम? क्यों नहीं, 5 साल की व्यवस्था है ना। अच्छे दिन का क्यों बोला? बोलते कि 60 साल चाहिए, वो आएंगे भैया अच्छे दिन। हवाई जहाज में सेल्फी खिंचवा के डाल रहे हैं, पहले कहीं जाता था 5 साल में? मुझे सब हर जाता था हवाई जहाज में सेल्फी खींच के डाल देता। अरे भाई साहब, मैं कांग्रेस की और ना ही मैं बीजेपी कुछ की, मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे अपना बताओ, आप सेल्फी लिए आपने प्लेन में जाके? भाई प्लेन में, मैं ट्रेन में सेल्फी लेने लायक नहीं। इस वक्त रोज डेली 10-15 बंदे पोर्स आके डालते हैं डेली। आदित्य तोमर 08 निकाल के दिखा दो एक सेल्फी आप मुझे। आप नहीं गए होगे? अरे भाई जाने लायक नहीं हूँ जनाब, जाने लायक नहीं हूँ। हम गए हैं। कितनी बार गए हैं? 2 बार। कहाँ कहाँ गए हैं? मुंबई। टैक्स भरते हैं? टैक्स भरते हैं। आप व्यापारी हैं? नहीं, टैक्स नहीं भरते। आएंगे टैक्स में तभी तो भरेंगे। नहीं तो आप प्लेन की यात्रा किए जो आप 5 साल पहले कहाँ कौन जाता था प्लेन में? भैया ये एक चीज मुझे बताओ कि 100 की अगर मैं बात करूँ, मैं 100 जान गया, 99 तक नहीं जाना और मैं 100 जान गया, तो 100 जानने के लिए मुझे 199 तक जानना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप जाओ प्लेन में, कौन रोकता कौन है? भाई पैसे होने चाहिए ना जाने के लिए, आप देंगे? जूते पहनो 10,000 के, वो कहाँ से आएंगे? जारा की शर्ट पहनते हैं साहब। भैया सॉरी, नहीं नहीं, जारा की शर्ट आप देख रहे हैं, 300 रुपए का कुर्ता में पहने हुए। एक प्रश्न और कर रहे हैं, एक प्रश्न, एक बात पूछना है सरकार से हमको, हम का पूछेंगे, आप ही पूछ सकते हो कि एक गरीब आदमी एक दिन में 50 रुपए या 20 रुपए बचा पाता है खाना खाने के बाद, अब वो 1050 का सिलेंडर कहाँ से ले, ये बताओ। 12,000 की दुकान, 4,000 का किराया, 12,000 कैसे भर रहे हो? अभी 4-5 साल पहले 4,000 दुकान का किराया था, अब उसके 12,000 हो गए, कहाँ से दे रहे हो? आप क्या करते हैं? हमें गल्ला काम है। आप टैक्स में नहीं आते? अभी नहीं आते। आप प्लेन में चलते हैं लेकिन आप टैक्सेबल इनकम नहीं है? प्लेन में हमारा बुआ जी का लड़का था, उसके साथ गए थे, उन्होंने टिकट कराया था? नहीं, टिकट हमने कराया था। लोटा बाटा कितना, कितने कितने रुपए का टिकट? 5,000 का लोटा बाटा दोनों तरफ का। यहाँ से कौन से एयरपोर्ट से गए थे? इंदिरा गांधी, दिल्ली से मुंबई का। 5,000 रुपए में दोनों तरफ का टिकट, आप 2 बार गए मतलब। आपने भी देखा होगा कितने फेसबुक पे डालते हैं लड़के, तो इधर सेल्फी। अपनी बात करिए ना। नहीं है, वो डाल रहे हैं। मैं तो नहीं गया, मैं अपनी बात करूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम है, टेंशन? पैसा नहीं है मेरे पास, प्रॉब्लम नहीं, पैसा नहीं। आप करा दीजिए, मेरा करा दीजिए, दिल्ली से बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के लिए मैं चला जाऊंगा। बहुत बदलाव आया है, 2-2 हजार के जीन्स, 3-3 हजार की शर्ट। अब मतलब आप तय करेंगे क्या पहनूंगा? आप तय करेंगे? अब ये खुद बैठे हैं, 5 साल पहले इनकी दुकान 4,000 रुपए थी, अब 12,000। 3 साल 2 साल गरीब की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करने के लिए। आप समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के? हाँ। 2 साल पहले नोटबंदी हुई थी, उसके 5 फायदे मुझे गिना दिए। 70,000 करोड़ ब्लैक मनी जमा हुई है। कहाँ जमा हुई है? 70,000 करोड़ का आंकड़ा तो गवर्नमेंट ने दिया आपको आंकड़ा? अरे गवर्नमेंट का है टोटल 70,000। दिखाओ दिखाओ, निकाल के दिखाओ, गूगल पे चेक करो आंकड़ा। ये निश्चित ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। नहीं नहीं बता, मुझे 70। अरे उससे कम होगी? नहीं नहीं नहीं, 70,000। नोटबंदी के टाइम पे ये बताओ कौन सा नेता या कौन सा अधिकारी लाइन में लगा? नोटबंदी तो ये सब जनता ने फेल की है, अपने अपने रिश्तेदारों के पैसे डाल डाल के। या कौन सा बाजार का दुकानदार लगा हुआ है? 2 रिश्तेदारों के। कितने रुपए डाले? 2-2 लाख। बस ये जाएगा, ये आपस आप खुद ना टैक्स भरते हैं, आप रिश्तेदारों के 2-2 लाख रुपए डालते हैं, और आप इन सबको बता रहे हैं भैया तुम ठीक काम नहीं कर रहे। नहीं तो ये ठीक काम कर रहे हैं? नहीं तो ये आप ठीक काम, भाई रिश्तेदारों के रुपए, वो नोटबंदी तो जनता ने फैल की है ना। आपने किए कि नहीं? अरे हमने तो किए। सर अब देख लो, इनकम टैक्स वाले आ जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो इनकम टैक्स में हम आएंगे तो इनकम टैक्स देंगे? इनकम टैक्स वाले छापा लगा दे नोटबंदी फेल करने का आरोप लगा के आप पे, तो मुझसे मत कहिए। नहीं वो तो अब सरकार नहीं, ये जनता। या तो आप स्वीकार करिए कि ये सरकार की सीधी असफलता है, नाकामी है। एक फायदा बताओ, हमारी पार्टी की सरकार रही है तो बहुत काम बहुत ज्यादा है, तो ये 5 साल में 10 साल में नहीं हो पाएगा। अच्छा 70 साल मतलब आप कह रहे हैं पहले 60 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप गए थे मुंबई? दोनों एयरपोर्ट 60 साल में बने?
कहाँ? दिल्ली का भी और मुंबई का। अभी अबे उधर गए हो, दक्षिण कोरिया सिंगापुर देखा है? देखा है। इंदिरा गांधी ने किया है? नहीं तो बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी लॉजिकल बात कही इन्होंने। भारत का दायरा जो है सिंगापुर और जो दूसरा देश कोई आपने बताया वो दक्षिण कोरिया, दोनों भारत के दायरे से बाहर आते हैं। कांग्रेस की जो या यूपीए की जो सरकारें थी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो भारत में ही है, ठीक है? तो इन सरकारों का जो कार्य क्षेत्र था वो भारत ही रहेगा, तो वो ना कोरिया में। ये तो 200 साल बाद में आजाद हुए थे ना वो, तो क्या कोरिया है और चाइना है, 60 सालों को छुआ। तो आप कह रहे हो तो वहाँ कितना आगे है वो देश, क्यों क्यों पूछे? जनसंख्या देश में आबादी उनकी जनसंख्या कितनी? अरे जनसंख्या कितनी है? अरे वहाँ भ्रष्टाचार ही नहीं है। दो लाख रुपए आप जमा करा रहे हो अपने अकाउंट में रिश्तेदारों के, तो वो तो बोल रहा हूँ भी लेक्चर दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? या तो आप भ्रष्टाचार मत करिए। भ्रष्टाचार तो है सभी जगह हर जगह, मीडिया में भी है। होगा मैं बोला आप तो कर रहे ना, मैंने तो नहीं लिए 2 लाख रुपए किसी से भाई, है ना? मैं तो कह रहा हूँ अपने इनके पास मेरे इनके पास नहीं है भाई। अच्छा भाई साहब इस मौके पे चुप हो गए, बोले मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आप ये कह रहे हो कि एयरपोर्ट बनाए तो ये जैसे ये विदेशों में इंडिया से बहुत आगे है, ये एजुकेशन है सब चीज है, तो वो जापान का आपने नाम लिया, ये दक्षिण कोरिया का नाम लिया, भारत के सामने कितने बड़े देश हैं पॉपुलेशन के आधार पर पता है आपको? तो ये पॉपुलेशन क्या पिछले 4 साल में हमने बढ़ाई है? आगे पॉपुलेशन हमने ही बढ़ाई है भाई साहब, कोई और नहीं आया इसको बढ़ाने, तो जनता ही नहीं बढ़ाई। लोग ना एक दूसरे को शक करने लगेंगे पॉपुलेशन बढ़ाई किसने, बढ़ाई हमने ही है, समझ गए? तो मैं आपको बस एक ही बात बताता हूँ, मैंने यही बात अभी इनको सबको ट्रेन किया था फेक न्यूज के लिए। एक तो ये जो व्हाट्सएप पे 70,000 करोड़ के आंकड़े और ये कि भाई सेल्फी लेना, इन सब बातों में ये सब फेक होती हैं, ठीक है? ये इनमें कोई दम नहीं होता है, ठीक है? व्हाट्सएप पे आए 70,000 करोड़ के आंकड़े पे क्वेश्चन मार्क लगाइए और पूछिए दिखाइए कहाँ है 70,000 करोड़ रुपए, बताइए आंकड़ा कौन सा 70,000 करोड़ का? नहीं, आपने मान लिया पे नहीं, वो तो जी न्यूज पे इस पे आज तक आपने देखा भी तो क्या देखा आप? नहीं नहीं ऐसे किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते आप, ऐसे एक न्यूज़ सोर्स को मैंने पहले बोला क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स से मतलब एक खबर सही होगी तो 10 जगह चलेगी, आप एक किसी चैनल का नाम ले दे रहे हैं, ये थोड़ी सब जगह होती तो आपको पता चल जाता, हमको भी पता चलता, क्यों भाई? आपने पढ़ा है आप 4,000 करोड़ तो झूठा है, 4,000 करोड़ नहीं सर, गवर्नमेंट ने दिया, मैंने नहीं दिया गवर्नमेंट, तो गूगल पे चेक करेंगे करोड़, आप मैं तो खड़ा हूँ, करो फोन निकालो, स्मार्टफोन है आपके पास, आप तो सेल्फी देख ले तो आप आंकड़ा देख, नहीं तो सेल्फी तो इसमें क्या, जैसे हमारे साथ का है वो डाल रहा है तो वो झूठी है? तो सर आपके साथ का अगर विजय माल्य आपके साथ का आदमी है तो वो तो डालेगा, तो पैसे वाला आदमी है मुकेश, नहीं पैसे वाला नहीं मिडिल क्लास, हाँ तो मिडिल क्लास वाला जा रहा है, दिक्कत है आपको इससे? नहीं तो वो अच्छा हुआ ना, विकास हुआ ना, वो अब 4 साल पहले जो मिडिल क्लास वाले जा रहे थे वो जा नहीं रहे थे, क्यों नहीं कहाँ जा रहे थे? 15 लाख से जा रहे? अच्छा वो 15 लाख से जा रहे हैं? नहीं तो 15 लाख कहाँ है अभी, बोला था मोदी जी ने कि भैया सरकार आ गए 10-15 लाख हाँ, सकते अरे तो वो तो पैसा तो बाहर ही पड़ा है ना, अभी 100 दिन में लाने की बात कही थी भैया, बोले फांसी पे चढ़ा देना 100 दिन, अरे फांसी पे कहाँ चढ़ा दे, वो पैसा तो बाहर डला है, वो लेके कौन गया था? 1,000 करोड़ कहाँ गया अभी तो बता रहे थे, वो तो गवर्नमेंट में जो कहाँ से तनख्वाह बांट रहे हैं आर्मी को, ये 10 टैक्स भरते भैया, मैं टैक्स भरता हूँ मेरी सैलरी से, टैक्स कोई कोई नहीं जी, 60 साल से भी तनख्वाह मिल रही थी, नहीं अब ये वन रैंक वन पेंशन हो गई वो उसमें खर्च हो रहा है, ये आयुष्मान भारत है उसमें पैसा लग रहा है, हाईवे बन रहे हैं, 40 एयरपोर्ट नए चालू हुए हैं, अच्छा 40 एयरपोर्ट में से आप 10 के नाम गिना दीजिए, अरे हुए हैं हाँ भैया, जैसे कि पहले ये योजना नहीं थी आपने, मैंने खुद ने खबर की है, अमित जी मेरा फोन एक बार मैं इन भाई साहब की, अच्छा सॉरी ये रहा, 35 एयरपोर्ट का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है? मैं आपको इसमें वो 35 नए एयरपोर्ट में मेरी खुद की न्यूज दिखाता हूँ, ठीक है? कुछ होगा कुछ काम चल रहा है? नहीं 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 आप ऐसे मत पलटिए, बात पलट रहा यार, ठीक है? जो प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट से भी पोस्ट किया गया था, ठीक है, ये मेरी खुद की खबर है, मैंने की है, ये पढ़िए आप और आपको पता चलेगा कितने नए एयरपोर्ट हैं, कितने बंद थे, ये इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए, ठीक है, कि क्या है ये, ठीक है, पढ़ के बता दीजिए। अच्छा ये मैंने ये वीडियो वाला सेक्शन खोला, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए बस, हाँ एक मिनट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के एयरपोर्ट के उद्घाटन करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार में, ये मैं एग्जैक्ट उनका ट्वीट बताता हूँ, आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं, इसमें से 35 एयरपोर्ट बीते 4 सालों में जुड़े हैं, आज़ादी के बाद से 2014 तक यानी 67 साल के बाद भी देश में 65 एयरपोर्ट थे, यानी एक वर्ष में औसतन एक हवाई अड्डा बनाया गया, 4 वर्षों में औसतन एक साल में 9 एयरपोर्ट तैयार हुए हैं प्रधानमंत्री, ये उन्होंने भाषण दिया, ये आपने सुना और ये आपने मान लिया। इस दावे की पड़ताल मैंने करी, इसके पता लगाया, इसकी सच्चाई है,
दावा जो था कि 100 एयरपोर्ट चालू हो गए 35 चार सालों में जुड़े हैं। 2013-14 तक इंडिया के पास 125 हवाई अड्डे थे, 125। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में जब ये नई रिपोर्ट आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ना एयरपोर्ट में और सारी चीज़ें भी शामिल थी, सिविल लाइन के लिए होते हैं सब चीज़ें, हवाई पट्टी होते हैं वो सब। 2017-18 में बढ़ के 129 हो गए, 125 से बढ़े 129, मतलब चार एयरपोर्ट बढ़े भाई साहब, 35 नहीं बढ़े हैं। नहीं पहली बार नहीं, एयरपोर्ट में जो हवाई रनवे फनवे थे उस पर काम ले पढ़ लीजिए भाई साहब, जो अरे जो एयरपोर्ट थे उनमें काम हो रहा है, उनमें चालू हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ ना। आपने बोला कि 45 एयरपोर्ट नए बन गए, वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बात, सरकार ने खुद बताया 19 जुलाई 2018 को कि देश में 129 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। इसमें से सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम शामिल था 129 में, जिसका उद्घाटन नहीं हुआ था, मोदी जी ने किया था, ठीक है। इसमें सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम शामिल था। साथ ही 9 अगस्त 2018 को एक सवाल के जवाब में बताया कि 28 एयरपोर्ट नॉन ऑपरेशनल हैं, 28 अभी काम में नहीं है, ठीक है, चालू नहीं है, ठीक है। उसके हाँ ठीक है, इसके बाद में देखिए आप बेटा इधर हो जाएगा, 2014 में 125 थे, 18 में 129 थे, 94 ऑपरेशनल थे, अब 101 ऑपरेशनल है। 13-14 से और इसके बीच में 7 एयरपोर्ट्स का फर्क है, जो आप 35 बता रहे थे व्हाट्सएप पे पढ़कर। अरे उन पर काम चल रहा है, जैसे कि आपने क्या बोला, 35 एयरपोर्ट बन गए बोला? अरे नहीं, वो बने बनाए उन पर काम चल रहा है सर। चार एयरपोर्ट नए खुले हैं, नए की बात हो रही थी, आपने बोला 70 साल में कुछ हुआ नहीं, हमने बता दिया आपको 101 एयरपोर्ट। मोदी की तरह फेंकू आदमी है ऐसे, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं दोस्त, मैंने आपको भी समझाया, आप नहीं समझे मेरी बात, जैसे कि ये बोल रहा है, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है। मैं इसकी तरफ से मैं माफ चाहता हूं, आप नहीं, ये गलत, आप बड़े भाई हैं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये गलत, ये गलत बोल रहा है। प्रधानमंत्री पे भी कमेंट गलत है, इन पे भी कमेंट गलत है, एक इंडिविजुअल डिग्निटी को बना के रखिएगा, है ना, ये कतरी गलत है। मैंने सर वही बताया कि व्हाट्सएप फेसबुक पर आने वाले फेक मैसेज के जाल से बचिए और सवाल करना नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक को हम तो न्यूज जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, आज तक में नहीं दिखाया गया होगा कि 35 नए एयरपोर्ट चालू हैं। यही ईडी ने इतना पैसा पकड़ा है, ये सब देख किसने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, कहाँ सर, ये जो सरकारी कार्रवाई है पहले से चलती रही है, इस चीज़ को आप दिमाग से निकालिए कि जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको गिना के रख दिया, ठीक है, आप देखते रह करिए चीज़ों को, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, आप जिस पार्टी के समर्थक हैं आप करिए समर्थन, लेकिन सच्चाई को बरगलाइए मत। इस देश में पहले ही बहुत फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उससे बचिए, बस इतना मेरा कहना है। नहीं, फेक न्यूज़ तो चल रही है, तो फेक न्यूज़ को ही तो रोकना है। दो सर, दो 2000 के नोट में चिप लग गई थी यहाँ पे, पता है उन टीवी चैनलों पे दिखाया था, 2000 का नोट में चिप लगा के, लगी नहीं थी किसी भी नोट में, आज भी आपके जेब में रखा है नोट, समझ गए? नहीं, वो मोबाइल से वो आता था, इसे जनता ही कह रही थी इसमें चिप लगी है। सर मैं आपको, मैं मेरी थोड़ी लिमिटेशन है कि मैं दूसरे चैनल का दिखा नहीं सकता, वीडियो चला के दिखा सकता हूँ मैं आपको चैनलों की, ठीक है, तो ये बात मत बताइए आपकी जनता ने कहा था, हर चीज़ को अपने नेता को अपनी पार्टी को अच्छा बताने के लिए जनता को बेवकूफ मत बताइए, सही है, समझ मोदी जी ने फेक न्यूज के, नहीं नहीं आप हर बात पर मोदी जी पहुंच जाते हो, नहीं 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 गलत, आप हर चीज़ों को गलत बात, तो राम मंदिर राहुल गांधी बनाया था, नहीं नहीं राम मंदिर, देखिए देखिए भाई साहब, नहीं नहीं सुनिए, छोड़े 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 साल में मैं कोई बात नहीं भाई साहब, मैं बहुत लंबी बहस इन चीज़ों पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेक मैसेज के जाल से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप देख रहे थे मुरैना के पोरसा इलाके से हमारी बातचीत लोगों के साथ में, हमने भाई साहब को समझाया कि कैसे फेसबुक फेक न्यूज़ से बचे, अब इन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको जो तरीके हमने आपको सिखाए इनको सिखाएं कैसे फेक न्यूज़ से बचें। आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और क्या करना है, प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड करना है जो मैंने पहले से किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।